फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज हम कैसे कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ें मैं पहले बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज सुनील लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं और मेरी बेटी आरुषि नामदेव आपका स्वागत करते हैं। आज देखते हैं, आज आरुषि क्या बनाएगी, आपको क्या दिखाएगी। एक क्ले से बने हुए कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको बनाएगी, बनाकर दिखाएगी। देखना, ये देखिए, ये फ्रिज है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमें अभी फूल गोभी को रखना है। अच्छा, ये फ्रिज है, देख सकते हैं, फ्रिज बनाया हुआ है। इस पे कुछ रख सकते हैं आप, फूल गोभी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स कुछ रख सकते हैं। ये फूल गोभी है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब फूल है। 1, 2, 3, 4। ये देखिए आप, बहुत सारे फूल है। ये रोज है, और आप देख सकते हैं ये सूर्य भगवान है। और ये पिज्जा है। कौन सा पिज्जा है? ये पिज्जा है, देख सकते हैं आप। और ये आमलेट है तवा में बनाने को, ये दोनों। अच्छा, ये आमलेट रखी हुई है, ये अभी बनेगी। और ये आप देख सकते हैं, ये फूल, ये वाला फूल मुझे सबसे क्यूट लगता है, क्योंकि ये इसे मैं पहले ही बनाई थी। मुझे लग रहा था ये कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं था, और ये इसे बनाना बहुत आसान है। ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और आप बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो इसमें आइसक्रीम भी है। ये आइसक्रीम है, ये वाली आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, और आपको गैस अच्छी लगी होगी। ये बहुत सारे सामान आपने कहाँ से सीखे यार, उसी ये बता सकती हो? ये सब मम्मी सिखाती, ये मम्मी बताई है यार, उसी की मम्मी बताती जाती थी, तो यार उसी बनाती। ये देखिए, डॉल के लिए स्लीपर है, ये स्लीपर है, ये रही। हाँ, ये स्लीपर है। और ये रही एक पृथ्वी गोल सी। हाँ, ये गोल पृथ्वी है, ये पृथ्वी का चित्र है। और देखिए फ्रेंड्स, ये केक है। केक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप ये केक जरूर बनाइएगा, और इसे काटिएगा भी जरूर। और ये देखिए, ये बाल्टी है, और ये शीशा, ये लिपस्टिक, और ये दोनों नेल पॉलिश है, और ये कंघी है। और ये आपको मेकअप किट तो बहुत ही पसंद है ना, तो ये देखिए मेकअप किट है। इसमें से हम इन्हें लगाते हैं गाल में, जिससे हमारे गाल थोड़ी चमकीले दिखे। और हमारे पास हेयर बैंड भी है, और डॉल का हेयर बैंड भी है। हाँ, और इसमें फूल भी लगे हैं नन्हे नन्हे, ये देखिए। तो ये सब प्रोडक्ट आपने किससे बनाए हैं? ये सब क्ले से बने। क्ले से? क्ले आपको कहाँ से मिला? क्ले में ऑनलाइन मंगाई। अच्छा, ऑनलाइन मंगाई। देखिए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं बच्चे आप लोग भी, और लॉकडाउन लगा हुआ है तो घर में कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, और थोड़ा कुछ मनोरंजन के लिए। ये देखे बनाना, केला है, कितना प्यारा छोटा सा बच्चे के लिए केला है, ये खा सकते हैं, ये बहुत ही क्यूट सा है। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये नन्हा और प्यारा सा केला है। ये चींटी आ गई यहाँ पे, लोग स्वीट्स खाने के लिए चींटी भी आ गई। और तो क्या बना हुआ है? मुझे सबसे सुंदर यही लगता है, क्योंकि ये बनाना है, और मुझे बनाना बहुत ही पसंद है, चाहे वो नकली हो चाहे असली। और ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे। और यहाँ पर ये मैगी भी है, ये देख सकते हैं आप, मेकअप किट के पीछे ये छुपी हुई है। और हमारी कढ़ाई, ये छोटी सी है, और इसका ये रहा ढक्कन, और ये कढ़ाई बंद है अभी। तो फ्रेंड्स, आपने ये सब चीजें देख ली होंगी, तो अब हम जो आज बनाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या बनाकर दिखाएंगे दोस्तों को, फ्रेंडों को, अपने छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों को? और उन्होंने ये तो देखा ही नहीं होगा, ये ब्रेड है। ब्रेड सबसे अच्छी होती है, ये देखिए। और ये बहुत गुल गुल भी है, और ये दबाने से कुछ नहीं होता है। और वो भी बनाया था ना आपने, एक बर्गर, बर्गर कहाँ गया? जी हाँ, हाँ, ये बर्गर है, देखो बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। और उसी आपको भी पसंद है? हाँ, मैं खाई भी हूँ एक बार। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डले होते हैं, और वो बहुत ही अच्छा होता है खाने में।
चलो धन्यवाद। तो अब हम बनाते हैं कुछ अच्छी सी चीज। चलो तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, इस पे रखे हो, ये इसमें क्यों रखे हो? क्योंकि वो पन्नी में निकालने में थोड़ी तकलीफ होती थी। सूख जाता था बाहर रखने से, इसीलिए इस पे रख लिए, इसमें आसानी रहती है। और जो फ्लिपकार्ट से जो पन्नी आई थी तो वो पन्नी बहुत ही छोटी थी और छोटी उससे थी। निकालने में तकलीफ होती थी, इसीलिए मैं पन्नी में निकाल कर रख ली थी पूरा क्लिप। हाँ ओके। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो गीलापन है उसके लिए हमें इसे थोड़ी देर इस तरह से करना है, बिल्कुल जिससे वो थोड़ी सूख जाए। तो ये अब सूख चुका है फ्रेंड्स, तो हम बनाना शुरू करते हैं। पहले इसे गोल गोल हमें करना है। तो अभी हम क्या बनाने वाले हैं आपको पता है? नहीं ना? तो आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा छोटा सा फूल। तो ये वाला फूल आपको नहीं पता होगा कि इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है और मुझे भी थोड़ा सा कठिन लगा था जब मैं पहली बार ये इसे बनाई थी, पर फिर मुझे आसान लगने लगा। आप इसी तरह बाकी सब कलर्स की भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसी कलर का बनाएंगे। पहले हमें इस तरह से करना है, जितना बड़ा आपको करना हो आप कर लें इस तरह से, और फिर उसके छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से टुकड़े करना है आपको, लेकिन ज्यादा छोटे नहीं हो, नहीं तो फूल अच्छा नहीं आएगा। छोटे से बच्चों के लिए छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट आरुषि बनाएगी, आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना कभी भी मत भूलिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आरुषि ये कह रही है कि कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमें इस तरह के कुछ गोले बनाने हैं। जितने हमने पीसेस काटे थे उतने पूरे हमें गोले बनाने हैं। तो हमारे गोले पूरे हो चुके हैं, अब हमें इन्हें दबाना है। आप किसी भी चीज से दबा सकते हैं, ये थोड़ा चिपचिपा है ये देखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों बालकनी का नजारा। हम लोग जहाँ पर किराए से रहते हैं वहाँ ये सामने का बालकनी है और पेड़ पौधे अमरूद लगे हुए हैं। आप देख तो ये देखिए, ये आरुषि की साइकिल है, इसी को चलाया करती है आरुषि। शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी सी गीला था इसीलिए हम कलर चेंज कर दिए हैं। आप यदि सर्किल बना लिए हो तो फिर उन्हें दबा दें। और इसके साथ ये क्या आता है? ये क्या है? ये डिजाइन बनाने के लिए है, जैसे कि आपको यहाँ से डिजाइन बनानी है तो आप इस तरह से देखें ये बन गई डिजाइन, और आप इस तरह से डिजाइन बनाएंगे तो ऐसी बनेगी डिजाइन। तो आपको पता चल गया होगा ये किस लिए है। और ये चाकू काटने के काम आता है, जैसे आपको किसी को भी काटना है चीज को वो अच्छी नहीं बनी तो, या फिर आपको डिजाइन के लिए थोड़ी सी काटना है, कट लगाना है उसके लिए। सो फ्रेंड्स इसे थोड़ी सी बड़ा बनाइएगा जिससे वो फूल अच्छा लगे। आप किसी की भी मदद से, यदि आपको अच्छे से गोला नहीं बनाना आता तो आप किसी की भी मदद ले सकते हैं गोला बनाने के लिए। और आप ये फूल बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गुलाब बन के तैयार हो चुका है।
ये देखिए कितना सुंदर गुलाब लग रहा है। और अब हम बनाएंगे कुछ अच्छी सी शानदार सी चीज, क्या आपको पता है वो क्या है? क्या है वो? है एक नन्ही सी मिनी डॉल। मिनी डॉल कैसे बनाते हैं? मिनी डॉल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको स्किन कलर का, ये भी व्हाइट कलर का ले लेना है। देखिए मैं ये क्ले ली हूँ, ये व्हाइट कलर का है। अब इसे गोल गोल बना देना, फिर आपको ब्लैक कलर चाहिए। अभी आपने देखा दोस्तों रोज बनाना कैसे, रोज बनाते हैं, इतने सारे क्ले हैं, क्ले से इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आरुषि आपको एक डॉल बनानी बना बना कर दिखाएगी, मिनी डॉल, वो कैसे बनाते हैं। ये इस तरह से पहले हमें इसे ऐसे करने में थोड़ी सी दबा के, जैसे वो अच्छी दिखे। और हाँ फ्रेंड्स, ज्यादा काला क्ले नहीं यूज करना है, नहीं तो आपकी डॉल बिगड़ भी सकती है। ये उसकी आईज बन गए। अब हम आईब्रो बनाएंगे। आईब्रो के लिए आपको इस तरह से करना है, इस तरह से आप आईब्रो बना सकते हैं उसकी। और यहाँ तक की डॉल बहुत ही अच्छी है बनेगी। यदि आप नन्ही नन्ही आईब्रोज बना देंगे, ये डॉल खेलने के लिए सबसे बेहतर डॉल है। और फिर हम उसका पूरा शरीर और चेहरा बनाना है। आप सोच रहे होंगे उसका सिर्फ चेहरा बनेगा, नहीं, चेहरा बस नहीं बनेगा, पूरी बॉडी बनेगी उसकी। अब आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैं ब्लू कलर चूज करूंगी। पहले आपको ब्लू कलर लेना है थोड़ा सा, और फिर इस तरह से उसे अच्छे से करना है। फिर आपको इस तरह से करना है, और इसे अच्छे से दबा दें, वरना ये उगल भी आएगा। इस तरह से आप कर दें, इस तरह से, जिससे वो क्यूट दिखे। और फिर आपको थोड़ी सी और क्ले लेनी है, ज्यादा अच्छी थी। पहले आप इसे गोल कर लें, बिल्कुल गोल, इस तरह से। अब आप उसका दूसरा हाथ भी बनाए इसी तरह जैसे हम पहले बनाए थे। ये देखिए उसके कितने सुंदर सुंदर हैंड बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें उसके पांव भी बनाने हैं। आप कोई भी कलर से बना सकते हैं, जो कलर से आपको बनाना है। इस तरह आप जरूर कर दें। आप ये नहीं सोचे कि हमारी डॉल बिगड़ जाएगी, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, इसलिए
मेरी डॉल बहुत सी बिगड़ गई थी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये उसके हाथ और पैर बन गए हैं। अब हमें इसे रख देना और फिर हमें पिंक कलर लेना है। एक क्यूट सा बेबी लिप्स वाला कलर। सो फ्रेंड्स देखिए, हमें ये वाला कलर लेना है। इस तरह ये देखिए, और फिर इसे इस तरह से करना है। आप ज्यादा ना करें। इस तरह बना के उसके इस तरह से यू जैसे बना देना है फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, छोटी सी डॉल तैयार हो गई है। अब हम इसके हेयर और अभी इसे अच्छे से बना के तैयार कर देंगे। देखिए खड़ी भी हो सकती है, और आपको आपकी डॉल यदि खड़ी नहीं हो सकती है तो इस तरह से आप करें। इस तरह से ये कर देंगे आप तो आपकी डॉल खड़ी हो जाएगी। अब हमें ये लेना है और फिर यहाँ लगा देना है इस तरह से। ये मिनी की डॉल क्यूट है। फिर आपको दूसरा भी बनाना है और इस तरह से करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बेबी डॉल तैयार हो गई है। बहुत ही नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप सोच रहे होंगे कि ये डॉल तो तैयार हो गई, लेकिन इसके हेयर कहाँ है? हाँ, अभी हम वो नहीं बनाए हैं। तो इसके हेयर बहुत ही क्यूट बनने वाले हैं, आपको पता नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके हेयर मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी। पहले आपको थोड़ा सा इतना सारा लेना है और फिर उसे गोल गोल करके इस तरह से करना है। फिर आपको कुछ इस तरह से काटने हैं। मैं कम से कम चार काटी हूँ। फिर इन्हें गोल गोल कर लेना है और फिर गोल गोल करके आपको बहुत लंबा लंबा कर लेना है। आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा कर सकते हैं। और फिर इस तरह से ये लंबे लंबे बाल हैं डॉल के। इस तरह से हमको करना है तो उससे बाल बन जाएंगे हमारी प्यारी डॉल के। ये मिनी है और बहुत क्यूट भी। और आपको ये डॉल बनाने का मन जरूर करेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी क्यूट डॉल लग रही है। ये वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को जरूर दिखाएं। एक्टिविटीज के लिए घर में बैठे रहते हैं, पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे, उनका मन लगा रहेगा। अब दोस्तों बच्चों को जरूर वीडियो दिखाएं। अब इन्हें यहाँ लाके इस तरह से कर दी। सभी को जोड़ दी और इधर अच्छे से चिपका दें। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी। उसके लिए आपको बस
कुछ ही चीजों की जरूरत है, आपको बस इसकी हैंड थोड़ी अच्छे से बनाने हैं। उसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है। तो देखा दोस्तों आपने, एक डॉल दूसरी डॉल को बना रही है और दूसरी डॉल भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो लास्ट हो चुका हमारा, अब वीडियो खत्म करने के। तो देखा दोस्तों एक और खिलौना बनकर तैयार हो चुका है और उसी के इतने सारे गिफ्ट हैं, खिलौने हैं, उस पे से एक और खिलौना बनकर तैयार हो गया है हमारी मिनी सी डॉल। और आप सोच रहे होंगे हमने चिपकाया कि और चिपकाना नहीं है, आप उन्हें गोल गोल करते हैं। बताऊं कैसे? इस तरह से आप गोल गोल करते हैं, ये देखिए। और फिर इसलिए हमने गोल गोल किया है क्योंकि वो उसकी चोटी है, हम भी करते हैं ना उसकी चोटी तो वो भी की है। चलो अब हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक तो मिलते ही है। बाय बाय, और हमारे अगली वीडियो में जरूर आए। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।